नमस्कार दोस्तों, उम्नीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उम्नीसेन इंग्लिश के तहत 619वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ओ, जी हाँ दोस्तों, 11 लेटर वाले वर्ड्स जो कि शुरू होता है ओ से। और देखिए ओ जो हमारा यहाँ पर है प्रीफिक्स वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली प्रीफिक्स लेटर है और वर्ड नहीं कहेंगे क्योंकि अकेले है ये, तो प्रीफिक्स लेटर है। और देखिए जो शुरू में आता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं और अंत में आता है, जैसे यहाँ पर यहाँ देख रहे होंगे, तो इसे जो हम क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलेंगे, सफिक्स। तो ये दो तरह के बीच में जो पार्ट्स आता है वो पार्ट के रूप में, यहाँ देखिए आई एस एम जो इज में है। तो मैं सिर्फ यही आपसे पूछूंगा, क्या आप इसे एक बार में देखते हुए पढ़ पा रहे हैं जो ये लिखा हुआ है, या यह जो लिखा हुआ है आप एक बार में पढ़ पा रहे हैं नहीं। लेकिन आपसे यही पूछ दिया जाए कि भाई ये आपको पढ़ने आ रहा है, तो आप कहेंगे यस, एक ही बार में देखते ही पढ़ लेते हैं। वो आपको स्पेलिंग भी बोलने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी देख कर एक बार पढ़ते होंगे, इसको भी देख कर एक बार पढ़ते होंगे, कारण कि आप रोज़ इसे देखते हैं इसीलिए रोज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर इसी तरह की जो बात किया जाए यहाँ पर तो दिक्कत होता है। तो मैं बताऊँगा कि आखिर क्या, कौन सा वो तरीका है जिससे कि आप बहुत ही आसान तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया दो पार्ट की, इसे ओद बोलेंगे, इसे अ बोलेंगे, यहाँ पर शन लिखा हुआ है, यहाँ पर इज्म लिखा हुआ है, तो बाकी चीज मिला के पढ़ना है। तो जैसे कि यह ऑफिशियलिज्म या ऑफिशिएशन, इस तरह का दो वर्ड है, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सीखने को मिल जाएगा जब, तो इजी हो जाएगा। शुरू में परेशानियां होती हैं लेकिन बाद में वो परेशानी आपके लिए बहुत ही सहज हो जाएगा। दूसरा बात कि आप प्ले स्टोर पर हमारा ऐप अवेलेबल है, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप दोस्तों ज्वाइन कीजिए, फिर मैं उसे परमिशन कर दूंगा तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे फ्यूचर में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि दूसरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, तभी पता चलेगा कि वीडियो कब आता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आप अपने जान पहचान वालों के बीच में, जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सीखना चाहते हैं कि कैसे इंग्लिश पढ़ना सीखा जाता है। तो चलिए बात करेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में। तो अल्फ़ाबेट के बारे में यही दोस्तों कि 26 लेटर होते हैं और इसे 26 लेटर को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। हालांकि वर्णमाला जो है इक्वल समानता बनाया गया, लेकिन वर्णमाला अलग है। हिंदी में जब ग्रामर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं तो वर्णमाला शुरू में बच्चे को दिया जाता है एलकेजी से ही, या अल्फ़ाबेट बताया जाता है। इसमें देखिए ए ई आई ओ यू, ये पांच जो है हमारा, ये ही जो है इंग्लिश का जो है, इंग्लिश वर्ड मीनिंग का जो है आधार स्तंभ है। और इसका उच्चारण आपको सीखना होगा। इसका अगर उच्चारण सीख लेते हैं तो किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग आप बहुत ही सरल और सहज तरह से बोल सकेंगे। अब देखिए बस्ता जो है पाँच के बाद वो 21, ये हमारा कॉन्सनेंट का पार्ट होता है। अब कॉन्सनेंट को हिंदी क्या होता है इसे याद रखिएगा, तभी तो आप पढ़ पाएंगे। जैसे बी से ब होता है, सी से क, श होता है, डी से द भी होता है, एफ से फ होता है, जी से ग और ज होता है, एस से ह, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, ये टवर्गी न भी, पी से प, क्यू से क्यू, आर से र होता है, एस से स होता है और एस से ज होता है। जैसे आई एस को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस पढ़ते हैं, डब्ल्यू एस को क्या पढ़ते हैं, वॉच पढ़ते हैं, और भी बहुत ज़रा वर्ड मीनिंग है। तो यहाँ एस को ज पढ़ा जाता है। टी से ट होता है, त होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस में च भी और श भी टी से बोला जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि टी से च और श भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाता है टी यू आर ई, टी यू ए एल, ठीक है, या यहाँ बात करते हैं टी आई ओ एन, टी आई ए एल। तो यहाँ ये जो दो है यहाँ पर जो है श उच्चारण किया गया, और यह जो दो है यहाँ पर च उच्चारित किया गया। इसे चर, टी यू आर ई चर, टी यू एल चल, सॉरी चुअल, और टी आई एन सन, टी आई एल, टी आई एल सी एल। तो अभी इसका वर्ड देखिए, फर्नीचर में ये चर आ रहा है, एक्चुअल में ये चर आ रहा है, कंडीशन में ये सन आ रहा है, कॉन्फिडेंशियल में ये सी एल आ रहा है। तो दोस्तों अब देखिए स्वर की बात करेंगे, तो पहले तो जानते हैं कि वोवेल के जो है चार से पांच तरह से उच्चारण होते हैं, लेकिन खैर यहाँ पे देख लीजिए, वी या डब्ल्यू से व होता है, एक्स से एक्स, वाई से वाई, और जेड को दोस्तों जेड बोलते हैं। भोबल में ए ई आई ओ यू, इसको चार से पांच तरह से पढ़ा जाता है।
देखिए वर्णमाला के दो हिस्से, एक स्वर दूसरा व्यंजन। तो जो स्वर है वो स्वर का भी मैं बताऊँ कौन स्वर कौन कौन सा था। आपको क्या पता है कि स्वर कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं, व्यंजन कौन कौन सा होता है और कितना होता है? नहीं पता है तो मैं बताऊंगा आगे। तो चलिए आगे देखेंगे। और ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, भौवेल। जी हाँ, तो भौवेल को कैसे पढ़ा जाता है, इसे अपने दिमाग में अच्छे तरह से बना के रखिए, तभी सीख पाएंगे। इसलिए आप देखिए, ए का उच्चारण अ आ ए ऐ हो रहा है, ई का उच्चारण अ आ ई ए, आई का उच्चारण हो रहा है अ आ ई आई, ओ का उच्चारण अ आ उ ओ, और यू का उच्चारण हो रहा है अ आ उ यू, और डबल ओ। जी हाँ, सो डबल ओ का उच्चारण अ आ उ। अब देखिए ये जो भौवेल ही है हमारा, ए ई आई ओ यू, इससे से बना है, डबल ओ बना है, क्योंकि बार बार इस तरह के वर्ड मीनिंग मिलेंगे आपको। तो इसका उच्चारण जो है अ आ उ ओ और उ ओ होता है। एक वर्ड लेते हैं, जैसे मैंने बताया था कि फर्नीचर। जी हाँ, तो क्या मैंने बोला था, फर्नीचर। तो फर्नीचर में आप देख रहे होंगे कि टी यू आर को तो चर पढ़ दिया जा रहा है, इसको चर पढ़ते हैं, आँख मूंद के कहीं भी मिल जाए चर पढ़ देना है। अब देखिए एफ यू आर जो फर है, तो यू जो है यहाँ पर इसको अ पढ़ा गया है। क्या पढ़ा गया है, यू को अ पढ़ा गया है। तो एफ को पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने कॉन्सेंट एफ से फ होता है, तो फ यू को अ पढ़ दिया गया तो फ हो गया, ठीक है। और आर को र पढ़ते हैं, है ना, फर। एन आई का, आई का उच्चारण यहाँ पर ई के रूप में हो रहा है, ये देखिए। और यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ था, तो हो गया फर नीचर। हालांकि ये जो र है यहाँ पर आ जाता है और करेक्ट लिखने में, तो हो जाता है फर्नीचर। यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर रेफ लाएंगे, तो फर्नीचर। इस तरह से जो है पढ़ना सीखेंगे हर हर एक तरह के वर्ड मीनिंग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों वर्णमाला पे बात करते हैं। वर्णमाला में आ आई होता है, क ख घ होता है। तो स्वर जो है हमारा, जिसको जो कि पहला पार्ट है, और ये स्वर जो है 12, कहीं लोग कभी लोग 12, कभी 13, कभी कभी जो 14 बोलते हैं कि 14 है। एक्चुअली अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो 14 ही है ना। ये दो को हटा कर लोग 12 ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं फिर भी जानने वाले 13 तो जानते ही जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा स्वर, और इसका ये है इंग्लिश, कि जो स्वर है उसका अंग्रेजी क्या होगा। बिना स्वर के अंग्रेजी के भी आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, ये फिक्स है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश एक ही जगह बोले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हिंदी का समावेश इंग्लिश में होता ही है, या कहें कि इंग्लिश का समावेश हिंदी में ऐसी तरह से हो गया कि पता भी नहीं चलता। जैसे आज भी दोस्तों हम लोग जिस ग्लास में पानी पीते हैं, उसका हिंदी आपको नहीं पता होगा। जी दोस्तों, अगर पता होगा तो आप यूज़ नहीं करते होंगे, लेकिन मैक्सिमम मैं 99% कहूँगा, 99% कि लोगों को पता नहीं है कि जो ग्लास है हमारा एक्चुअली, उस ग्लास में जिसमें पानी के पीते हैं, चाहे वो स्टील का हो, एल्यूमिनियम का हो, या मतलब शीशे का हो, शीशे बोलते हैं, या कुछ किसी भी चीज़, चाहे मिट्टी का हो, मिट्टी का तो ग्लास नहीं बोलेंगे, कुछ और नाम रखा जाता है। तो ये जो ग्लास हमारा होता है, जो कहते हैं एक ग्लास दूध लाइए, एक ग्लास पानी लाइए, तो उस ग्लास का हिंदी क्या होता है पता भी नहीं है ना आपको और ना और लोगों को। कारण है क्या, कि इस तरह से घुस गया है ना हमारे ज़िंदगी में, इस तरह से कि हिंदी तो गायब ही हो गया है ना। तो सोचिए इस बात को कि आखिर किस हद तक घुसा हुआ है, और इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो स्वर का भी इंग्लिश, स्वर का इंग्लिश क्या होगा, या हिंदी क्या होगा, सब कुछ याद रखना होगा। अगर फ्लो में पढ़ना है, तेज़ी से पढ़ना है, तो ये ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं अ को ए बोलेंगे, आ को डबल ए या सिंगल ए भी बोल सकते हैं, आई के लिए आई लिख बोलेंगे। एक्चुअली ये लिखा जाता है, आपको समझना होगा, उच्चारण यही होगा। बड़ी को डबल ई से, यू को यू से डबल बड़े, एक्चुअली जो बड़ा ऊ है डबल ओ, री को आर आई, बड़ी री आर डबल ई, ए को ई, आई को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू, अन को एन, अ को एच। देखिए यही जो है आदमी जो एक्चुअली जो स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में थे जब भी, या नहीं भी है तो भी, यहीं पर जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो भोवेल है और वहाँ के भोवेल में बहुत ही डिफरेंसेस हो जाता है बोलने में। तो इसी चीज़ को जो है समझ जाते हैं तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। जी हाँ, तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू,
यहाँ यहाँ देखिए ए, तो ए से तो अध होगा, ई से क्या होगा, ई से ई होगा ना, अ भी होगा आ भी होगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक की बार चर्चा हो रही है। ए यहाँ ए से भी ए होता है हिंदी जब उच्चारण करते तो, इंग्लिश उच्चारण करते हैं तो ये सब घोच पर जो है उसको आपके दिमाग में आपको क्लियर करना होगा। एक जगह लिखिए उसको, सभी जगह देखिए उच्चारण करके, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं व्यंजन पे। व्यंजन जी हाँ, तो व्यंजन जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। कोई भी अक्षर, हिंदी व्याकरण के अगर जानकार हैं आप तो जानते ही होंगे कि कोई भी अक्षर स्वर, सॉरी व्यंजन के बाद उसमें स्वर जब मिल जाता है, ठीक है, तो वो अक्षर बनता है, या कहें कि स्वर अपने आप में भी एक अक्षर के रूप में काम करता है। जैसे कि आम, आम लिखना है तो इसका मतलब क्या है कि आम है, यहाँ पर अ प्लस अ है, अ प्लस अ है तो हो गया आ। अब इसे लिख रहे हैं ऊ, ऊन, तो इसमें क्या लगाना है, ये देखिए हमारा इसमें तो कुछ लगा ही नहीं, स्वर है ये व्यंजन है, तो इस तरह से एक अक्षर बन जाता है। ये तो शब्द हो गया हमारा, क्योंकि दो अक्षर हो गया, जब सिंगल रहता तो अक्षर है। अब जैसे ये देखिए अक्षर नहीं है, क ख ग जितना आप ज्ञात देख रहे हैं कोई अक्षर नहीं है, सब का सब जो है व्यंजन है। क से ज्ञात तक जितने भी लिखे हुए हैं हिंदी में वो सारे के सारे व्यंजन है, हमारा अक्षर नहीं है। अक्षर कब बनेगा, जब क में आ जोड़ देते हैं या कोई भी स्वर जोड़ देते हैं तो उसी के अनुसार ये बन जाता है। तो यहाँ बन गया क प्लस एक्चुअली क। अब इस क में हलंत नहीं लगा हुआ, हलंत नहीं लगा हुआ यानी कि वो व्यंजन नहीं, वो अक्षर है। ऐसे व्यंजन अब आधा होता है, अक्षर भी आधा कह सकते हैं, लेकिन वो व्यंजन के ही समान होता है। लेकिन हिंदी के बाद उसका हिंदी का अंग्रेजी भी याद रखना होगा आपको। जैसे क को के बोलते हैं, ख को के एच, याद रखिए, जी को ग को जी, घ के लिए जी एच, अंगा ये टेढ़ा है इसमें याद रखिए, बहुत कम ही लोग जानते हैं। अंगा के लिए एन जी, च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ के लिए जे एच, यहाँ के लिए वाई एन, इसे भी याद रखिए, नहीं लोग जान पाते हैं। ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, अण के लिए एन, फिर देखिए त के लिए टी, थ के लिए टी एच, द के लिए डी, ध के लिए डी एच, न के लिए एन, यानी कि इन दोनों का जो है अंग्रेजी एक ही होगा, जिन दोनों के लिए अंग्रेजी एक ही अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, टी टी एच डी डी एच एन। देखिए प को पी, फ के लिए पी एच, भ के लिए बी, भ के लिए बी एच, और म के लिए एम। तो ये है जो कि आपको याद रखने होगा। आप देखिए कॉन्सेप्ट में जो कौन कौन सा पार्ट है आपको तो पता ही होगा, ये मैं बता दूंगा। जैसे वाई में य, आर को र बोलते हैं, एल को ल, व के लिए वी डब्ल्यू, तालाबी सर के एस एच, मूर्धन सर एस एच, दंत सर के लिए ह एस, ह के लिए एच, अक्षर के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर, अज्ञा के लिए जी वाई। इसमें से जी हाँ दोस्तों, इसमें से अक्षर त्र अज्ञा ये बहुत ही टेढ़ा है, लोग भूल जाते हैं अक्सर, और बाकी सब याद हो जाता है। जैसे ये सब तो मान लीजिए एक दो बार ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए कॉन्सोनेंट में कौन कौन सा आ जाता था, कॉन्सोनेंट में कौन कौन सा आ जाता है, आप तो एक जगह लिख के भी कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सा जो है व्यंजन का पार्ट आ रहा है। जैसे कि क मिल जा रहा है ना, क के मिल जा रहा है, ग मिल जा रहा है, ठीक है, ज मिल जा रहा है, यहाँ से इसमें से ये सारे मिल जा रहे हैं, सारे नहीं कहेंगे, इससे कि ये मिल जाएगा ट, थ नहीं मिलेगा, ड द मिल जाएगा, और ये ना मिल जाएगा, ये तीन इसमें मिल जाएगा। प मिल जा रहा है, ब मिल जा रहा है, म मिल जा रहा है, इसके अलावा य र ल व यहाँ से यहाँ मिल जा रहा है, और एक ये श मिल जा रहा है और ह मिल जा रहा है, जो घेरा गया यही कॉन्सोनेंट है, बाकी कॉन्सोनेंट में नहीं है। जो कि एच लगा हुआ है या जहाँ जहाँ एच लगा हुआ है या जो दो अक्षरी है, मतलब दो अक्षर दो तरह तरह दो तरह से बना हुआ, दो व्यंजन को जोड़कर बनाया गया है ना, ई अंग, ये सब क्या है, इस सब में कॉन्सोनेंट है और ये सब जो है व्यंजन के पार्ट, कॉन्सोनेंट नहीं है, सॉरी, ये सब कॉन्सोनेंट नहीं है, जो अक्षर तरह गया और अंग इया ये सब नहीं गया। ख ग ख घ छ झ ट ठ ठ थ ड ध ये सब नहीं है, भ भ ये सब नहीं है, बात समझ रहे होंगे। अब चलिए व्यंजन के बाद मैं बात करता हूँ कैसे। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे 24 और 48 48 50 के आसपास वर्ड मीनिंग देखेंगे और कैसे पढ़ना ये मैं भी बताऊँगा। तो पहले देखिए ये क्या लिखा हुआ है,
अभी एक बार में देख के पढ़ पाएंगे, नहीं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लिख दे, मैंने हिंदी लिखा है, इसको पढ़िए, नहीं आ रहा तो जान कीजिए यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओशियन गोइंग, ओशियन गोइंग, ओप्रोब्रियम, ऑप्स ऑब ऑप्स, यदि ऐसे पढ़ेंगे, ऑब्सेक्यूअस, ऑब्सेक्यूअस, ओरो ओरोफैरिनिक्स, ऑफिशियलडम, ऑफ हैंडेडली, ऑफर्टरीज, ऑफेंसेल, ऑफेंसेलेस, ऑफेंसिवली, ओलिगो क्लासेस, ओलीगार्चीज, ओलिगोपॉलीज और ऑल्फैक्ट्रीज, ये हो गया, काउंट कीजिए कि कितना है, पता चल जाए। दूसरा देखिए, ओमनीवोरस, ओवरचार्ज, ओवर बाउट, ओवर एक्सटेंड, ओरा ओराटोरिकल, ओराटोरिकल, ठीक है, ओराटोरिकल कैसे पढ़ना है मैं ब्रेक करके बताऊंगा कि बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सारे जिनको पढ़ना नहीं आ रहा है, जिनको वर्ड मीनिंग नहीं याद हो रहा है, वो मैं बताऊंगा कि भाई थोड़ी वर्ड का स्पेलिंग नहीं याद हो रहा, तो मैं बताऊंगा कि कैसे याद किया जाता है। देखिए, ऑस्टियोपैथी, ओवर विंटर, ओपेलसेंट, अदर वर्ल्ड, ओक्टाहेड्रल, सॉरी ऑक्टेहेड्रल, ऑस्टियोजेनिक, ऑरेंजुड और ऑक्यूपेंसीज, ये हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, ओमनियसनेस, ओम ओमी सॉरी ओमिनियसनेस, ओमी ओमी नशनेस है ना, ऑर्डर ऑर्डरसनेस, थोड़ा सा टेढ़ा है बोलने में, लेकिन जब यही सी बात है, अब सीख जाएंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ओ ई ओ ए क्यूमेनिकल, ओक्टाहेड्रन्स, ओक्टागोनली, ओरिएंटलाइज, ओसिलोग्राम, ओस्ट्राकोडम, ऑफिशियलिज्म, ऑफ ऑफ स्कोरिंग, ऑफ प्रिंटिंग, ऑफिशियरीज, ऑफिशियसली, ऑफिशियसली, ऑफिशिएटिंग, ऑफिशिएटिंग। ये दूसरा देखते हैं, ओवर स्ट्रेस, ऑस्मोलिटी, ओक्टाहेड्रन, ओवर फ्लाइट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओक्यूलोमोटर, आउटकम्पीट, ठीक है, आउटकम्पीट, एल नहीं, ला नहीं होगा, ओस्मोलरिटी, ओविपोजिटर, ओमनीपोटेंट्स, ओमनीसियंस, और ओमनीसियंस नहीं, ओमनीसाइंस हो जाएगा, ओमनीपोटेंस, और ये हो गया ऑफिशिएशन। दोस्तों ये हो गया दो तरह से, और आप समझ रहे होंगे कि कैसे इसे पढ़ना है, नहीं समझ रहे हैं तो चलिए आगे देखेंगे कैसे पढ़ना है। लेकिन उसके पहले दोस्तों बात करते हैं, अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, यूट्यूब के माइक पर बोलिए, गूगल में भी टाइप कर सकते हैं, ओमनी सेंड भी लिख दीजिएगा तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ आपको रीडिंग राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड बहुत ही सरल सरल वीडियो मिलेंगे, जो कि आपको पढ़ने के लायक बना देंगे, अगर लिखने नहीं आता है तो लिखने के लायक बना देंगे, बोलने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप बोलना शुरू कर देंगे, बहुत ही जल्दी बहुत ही शीघ्र सब कुछ सीखेंगे। और यहाँ हम लोग सब कुछ सीखेंगे, विथीजिस टेबी ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, वो कैसे, वो मैं जब आप मेरा रीडिंग वाला राइटिंग वाला देखेंगे वहाँ समझ में आ जाएगा।
देखिए अंग्रेजी पढ़ना यहाँ सीख रहे हैं और ग्रामर किस लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारे रूल रेगुलेशन जो है सब कुछ सेट कर दिए गए हैं सेंटेंस पर। अब चलिए आज का स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और पढ़ना सीखेंगे। देखिए कोई भी चीज़, एक मकान भी हमारा रहता है तो उसमें हजारों ईंटें रहते हैं, ब्रिक्स, उसमें जो है हमारा सैंड रहता है, उसमें हमारा सीमेंट रहता है, उसमें हमारा रॉड्स रहते हैं, स्टील रॉड्स रहते हैं, और बहुत सारा एफर्ट लगता है ना, बहुत सारा एफर्ट यानी लेबर लोग अपना एफर्ट्स लगाते हैं, पैसा खर्च होता है इन सब के पीछे एक्चुअली। लेकिन यहाँ पर जब आप पढ़ना सीख रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी इंग्लिश की अगर बात की जाए तो हमारा उसी तरह से है। एक वर्ड की अगर बात की जाए, एक ये जो वर्ड है तो इसमें दोस्तों बहुत सारे ईंटें हैं, सीमेंट है ना, उसके बाद बहुत जितना भी रॉ मटेरियल बिल्डिंग कहलाता है उसी तरह जैसे होता है, उसी तरह वर्ड में भी बहुत सारा चीज़ है, तो उसको समझना होगा, हर एक वर्ड पे समझना होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई अभी इसमें तो रॉ मटेरियल के रूप में आपको लिटरसी है, चाहे वो वोवेल्स हो या हो कॉन्सोनेंट, लेकिन उस सब के पार्ट है, उसको मिलाकर कई पार्ट बन जाते हैं। जैसे यहाँ मैं बताऊँगा उस पार्ट को, मैं बताऊंगा उस पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, को कॉपी पे लिखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार आपको। जैसे मैंने बताया था कि फर्नीचर, तो ये टी यू आर ई जो था फर्नीचर में नहीं था क्या, फिर बताइए था या नहीं। तो जाहिर सी बात जब फर्नीचर में था वही चर जो है फिर यह स्ट्रक्चर में आ गया, तो मैंने थोड़ी डाला है या मैंने कोई इंग्लिश तो नहीं बनाया। जिन्होंने भी इंग्लिश का निर्माण एक्चुअली जहाँ भी इंग्लिश का जन्म हुआ है तो उनके पास उतना जितना भी विकल्प था उन्होंने पूरा विकल्प लगाया, लेकिन फिर भी आप उसमें आप एक कॉमन सी जो है ढूंढ सकते हैं जिससे कि पढ़ना इजी हो जाएगा। बहुत लंबे वर्ड्स वाले बहुत ही हमेशा नहीं मिलते हैं, हमेशा जनरल वर्ड्स मिल जाते हैं जो कि रोज़मर्रा के जीवन में काम आते हैं। चलिए पढ़ते हैं, सब चीज़ का याद ध्यान रखेंगे, स्वर वोवेल का, कॉन्सोनेंट का, स्वर का और व्यंजन का, ठीक है, और सबको ध्यान में रखते ही पढ़ेंगे। फिर पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात अगर नहीं जानते तो हमारे शुरुआत वाला वीडियो देखिए, पार्ट्स ऑफ वर्ड की मैंने वहाँ चर्चा डिटेल में किया है। तो क्या पढ़ेंगे, एस 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 को एस ही पढ़ेंगे आप, ट्रक, टी आर यू सी ट्रक और टी यू आर यू चर स्ट्रक्चर, एंड बी ओ एन बॉन्ड, और आई एन जी को इंग बोलते हैं, डी कैसे लगे तो डिंग हो गया, बॉन्डिंग ऑन ही बेसिस ऑफ ए ली, यहाँ पर ए पढ़ेंगे और यहाँ पर ई पढ़ेंगे, एल के साथ लगा ई तो ली हो गया एलिमेन, और एल को बोलते हैं टी लगा तो टेल हो गया एलिमेंटल, एना लाइसिस द मोलेक्यूलर फॉर्म्यूला ऑफ द मिक्स्ड लीजेंड सीएम कम प्लेक्सेस ऑफ ए जी इज फाउंड, अगर बताइए एफ है तो फाउंड है, अगर एफ काट के यहाँ पर खड़े लिख देते एस तो क्या हो जाता एस ओ यू एन डी साउंड, यहाँ कर देते आर आर यू एन डी राउंड, तो समझ रहे हैं कि एक ही वर्ड एक ही पार्ट कई जगह अलग अलग वर्ड मीनिंग बना ले रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे टू बी एम एल एच एल वेयर M इक्वल ए जी एल इक्वल डी प्रोटोनेटेड टी डी को बोलते हैं टेड ओ एन पी डी एन पी टी एन पी देयर आई आर एस स्पेक्ट्रा सजेस्ट्स दैट द सिल्वर मेटल इज कोऑर्डिनेटेड टी डी को बोलते हैं टेड थ्रू ऑक्सीजन ई एन को एन जी लगा जेन ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल है ना, सूत्र है सी डब्ल्यू एच ग्रुप एच, यहाँ देखिए एस को जब पढ़ते हैं वेल एच थ्रू नाइट्रो ई एन को एन जी लगा जेन नाइट्रोजन एटम ऑफ पाइरिडीन रिंग इट ऑल्सो सजेस्ट्स
द प्रेजेंस, ई एन सी को एंस पढ़ते हैं, एस लगा तो सेंस हो गया, तो पी आर ई को प्रे पढ़ दिए तो प्रेजेंस है ना, इस यहाँ पर एस को जब पढ़ा जा रहा है तो प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ई एन को एन जी लगा जेन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम दीज फैक्ट्स सजेस्ट्स द फॉलोइंग एस स्ट्रक्चर, टी वाई को चर बोलते हैं, फॉर दीज कॉम्प्लेक्सेस सोडियम, यू एम को हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड वर टेकन, ई एन कैन की लगा तो कैन, टेकन इन ए क्लीन एंड ड्राई कोनिकल फ्लास्क एंड रिफ्लक्स्ड इन 90% एथानोल ऑन हॉट प्लेट, एक के बाद जैसे ई आता तो उच्चारण एक का अ के रूप में नहीं होता, आ के रूप में नहीं होता और एक रूप में नहीं होता, आय के रूप में नहीं होता, क्या होता एक रूप में, तो प्लेट विद मैग्नेटिक स्टायरर एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर ओ यू टी कॉर्ड बोलते थे अबाउट 1 आवर द सॉल्यूशन वॉच कंसेंट्रेटेड एंड कूल्ड व्हेन द रेड सोडियम सॉल्ट ऑफ ओ नाइट्रोफेनल प्रीसिपिटेड, टेटेड हो गया आउट, इट वॉज द फिल्टर्ड वॉश्ड विद द 90% एथेनॉल एंड ड्राइड इन एन इलेक्ट्रिक ओवन एट 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अगर है कोई दिक्कत अभी पढ़ने में तो अभी ही वीडियो को कीजिए बैक, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं हुआ, सिर्फ इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही फास्ट सीखेंगे। अब चलिए देखिए, तोड़ कर मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है। प्लस प्लस किया मैंने, जब उच्चारण जब ब्रेक होता है, जब देखिए जाहिर सी बात है, अगर पढ़ेंगे मनोज, सरोज, कमल, सुनील तो रुकते हैं, है ना। मान लीजिए चार नाम, आपने चार दोस्त का नाम बोलिए, ऐसा तो नहीं कि धड़ 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 बोलते हैं तेजी में, फास्ट में नहीं, रुक रुक कर बोलते हैं। तो जब भी एक पार्ट से दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट से तीसरा पार्ट में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो हम लोग छोटा सा पॉज लेते हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आता, उसको उस पॉज को यहाँ पर मैंने रोका है, तोड़ा है, ठीक है, विराम दिया है। इसे ओ सी एन, ओ सी, ओ सी एन गोइंग, ओ सी एन गोइंग, वही ये है ब्रेक हमारा। ओप्रोब्रियम ऑब्सेक्यूअस ओरोफैरिनिक्स ऑफिशियलडम ऑफ हैंडेडली, ई आर को बन लेंगे तो एफ लगा फर, ऑफाटोरीज, आई एस को बोलते ईज, ई डबल एस को बोलते एस, ई एन को एन, एफ लगा फेन, ऑफेंसलेस ऑफेंसिवली, ये देखिए याद रखिए सिव ये ली, ऑफेंसिवली ओलिगो क्लासेस, ओलिगर चीज, आई एस को ईज बोलते चीज, ओलिगो पोलीज, देखिए फिर से ईज हो गया यहाँ पर, ऑल फैक्ट्रीज, फिर देखिए ईज है। चलिए दूसरा देखते हैं, ओमनी वोरस, ओ यू एस को बोलते हैं अस, ये हमारा फिक्स वर्ड है, सफिक्स वर्ड है, ई आर को आर, भी लगा वर, ओवर चार्ज, अब देखिए सीधा मैंने ओवर लिया, ओवर बाउट, ओ यू जी एस टी को आट बोलते हैं बाउट, ओ का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ तो बाउट हो गया, ओवर एक्सटेंड, ओरेटोरिकल ओस्टियोपैथी, ओवर विंटर, ई आर को आर, टी लगा टर, ओवर विंटर, ओपल सेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं ओपल सेंट, अदर वर्ल्ड, ऑक्टेहेड्रल, ऑस्टियोजेनिक, ऑरेंज वुड, ओक्यू, ओक्यू पैंसीज, आई एस को ईज पढ़ते हैं तो सी के लगा तो पैंसीज। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों इसे देखिए, ओमनी
ओमिनसनेस, ठीक है, ओमिनसनेस, ओ यू एस एस जो है प्रीफिक्स है, ई एस जो है तो प्रीफिक्स के रूप में काम करता है, हालांकि पाठ है बीच का आ गया। ओडरस, ओ यू एस देखिए, ओडरसनेस एक ही जैसे है ना, नेसनेस रस हो गया है, यहाँ नस हो गया, रस हो गया। ओएक्यूमेनिकल, ओक्टाहेड्रंस, ओक्टागोनली, गोनली, ओरिएंटलाइज, ओसिलोग्राम, ओस्ट्राकोडर्म, ई आर को आर बोलते डी का डर्म हो गया तो कोडर्म हो गया, ओस्ट्राकोडर्म, ऑफिशियलिज्म, ऑफ स्कोरिंग, ऑफ प्रिंटिंग, ऑफिशियरीज, ऑफिशियसली, तो देखिए एल वाई को क्या बोलते हैं, ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑफिशियट, ऑफिशिएटिंग। चलिए नेक्स्ट है जो हमारा है, ओवर स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस, ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैलिटी है ना, ऑस्मोलैलिटी, ऑक्टेहेड्रंस, ओवर फ्लाइट, आई जी एस टी क्वाइट बोलते हैं, एफ एल लगे तो फ्लाइट हो गया, एफ एल की जगह एन कर दे तो नाइट हो जाता है, एम कर दे तो माइट हो जाता है, एल कर देते सिर्फ तो लाइट हो जाता है, एस करते तो साइट हो जाता है ना, आर करते तो राइट हो जाता है, आर आई जी एच टी है ना, आई जी एस टी। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओक्यूलोमोटर, वर्क वर बोलते हैं टी लगा टर हो गया, आउट कम्पीट, कम्पीट ये नहीं अल्लाह नहीं होगा, आउट कम्पीट, ओस्मोलरिटी, ओवी पॉस, ओवी, ओवी पॉजिटर, ओमनीपोटेंट्स, ओमनी ई एन सीक्वेंस बोलते हैं ना तो साइंस हो गया, ओमनी साइंस, ओमनीपोटेंस ई एन सीक्वेंस बोल रहे हैं तो ओमनीपोटेंस, ऑफिशिएशन। दोस्तों ये था जो कि आप इस तरह से ब्रेक करके पढ़ सकते हैं, मैंने बताया ना कि कहाँ कहाँ पर जो है वर्ड रुकता है उसी को पकड़ना होता है। अब चलिए हमेशा आपके दिमाग में बना रहना चाहिए भोवेल, तभी तो पता चलेगा कि भोवेल कैसे कैसे बदल जाते हैं रूप। तो सभी में देखिए याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ जिससे घेर के समझ में आपके दिमाग में आ जाए। तो देखिए आ तो सभी में आ रहा है, ई आई में जो है ये ई छोटी बड़ी हो गया, यू यू डबल ओ में जो ये ऊ हो गया। अब देखिए यू का उच्चारण क्या करते हैं, यू लिखा हुआ है, यू ओ को ओ बोलते हैं, आई का आई बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं ना, ए भी करके बोलते हैं, ए को ए भी बोलते हैं। तो इस तरह से याद करने में बहुत ही सहूलियत मिलेगी आपको। और देखिए कुछ वर्ड्स पे प्रैक्टिस में कर लेता हूँ, आपको क्या करना है पुराने वर्ड्स को लेना है और इस तरह से लिख लेना है ए ई आई ओ यू और क्या क्या बोला जाता है। तो सी ओ एम कम होता है तो ओ का देखिए यहाँ पर आ गया, पी एन वाई नी होता है तो पनी में ए का उच्चारण, अ के रूप में हुआ, सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ, एस एल टी सॉल्ट, एल एन ई लेन में ए का उच्चारण ए के रूप में आया, कैप में ए का उच्चारण आय के रूप में आया, पी आर पर में ई का उच्चारण हुआ अ के रूप में, प्रीफिक्स में ई का उच्चारण हुआ छोटी बड़ी के रूप में, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ, सर में आई का उच्चारण अ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में, प्राइम में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, उसके बाद सन में ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ बड़ी ऊ के रूप में, टोन में टी ओनी टोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में, एस यू एन सन में यू का उच्चारण अ के रूप में हुआ, पी यू टी पुट में यू का उच्चारण हुआ बड़ी छोटी ऊ के रूप में, टी यू एनी ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में, और यहाँ जो ई है उसका उच्चारण अ के रूप में यहाँ हुआ था। अब देख लेन में ई का उच्चारण यहाँ अ के रूप में हुआ है, ई का फ्लड में एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ, जबकि आर डबल एम रूम में डबल ओ का उच्चारण बड़ी के रूप में हुआ। देखिए टी डबल ओ के टुक होता है, बी डबल ओ के, बी डबल ओ के बुक होता है। इस तरह से सभी चीज़ को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं।
दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सगे संबंधी दोस्त मित्र सभी को जिनको पहचानते हैं, जिनको चाहते हैं कि इंग्लिश पढ़ना कम से कम सीख जाए और भी बहुत कुछ। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ टच कीजिए, बाद में बेल आइकन करके हिट कीजिएगा ताकि घंटी उठ सके और नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक वीडियो लिंक यहाँ, प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ, प्रीवियस वीडियो का लिंक है और ये हमारा प्लेलिस्ट है जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे वन से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। थैंक यू मुझे मिलते हैं, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद। थैंक यू अगेन, धन्यवाद दोस्तों।